के लिए लड़ना भी जानता है और आज का इसका सबूत है। बहुत खुशी की बात है, हैदराबाद में बहुत सारे चीज़ों के बारे में तो मीटिंग्स होता है, ये पहले बार किसानों के बारे में ऐसा एक मीटिंग हो रहा है। इधर हम सब लोग दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उनके साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर। इसलिए वो लोग सवाल जिस तरीके से पूछ रहा, पहले बार सरकार ने बाहर निकलकर जवाब देना सोचा और जवाब देना जरूर समझा, ये हम सबसे कहना है। और हमें एक दूसरा बात भी अच्छा लगा कि एक नया नेशनलिज्म वहाँ पैदा हो रहा है। जब गुरु नानक का जयंती हुआ तो मजहब कोई नहीं देखा, कोई घी बना के लाए, कोई खीर बनाए, सब मिलकर बांट कर वो खाए और वहाँ त्योहार बनाए, कितनी फख्र की बात है। एक नया डेफिनेशन हो रहा है, एक आदमी को अगर दुख है मिटाने के लिए हम सब लोग खड़ेंगे, ये है ये नया हिंदुस्तान का नारा। और इस नारा को डेफिनेशन ऑफ इंडिया, और ये डेफिनेशन को हम कायम रखना हमारे लिए, जहाँ शहरियत के लिए इतना मजबूत एक लड़ाई चला उस शहर की जिम्मेदारी बनता है। दूसरी एक और बात भी बताना जरूरी है, आज जो मंडी है हिंदुस्तान में उसका मॉडल बना हैदराबाद में, 1930 या 35 में बना था हैदराबाद में, जो दलारियों का लुटेरों का रोकने के लिए हैदराबाद मार्केट एक्ट बना था, और वो मार्केट एक्ट के जरिए से हैदराबाद में मार्केट बना, और उसको बाद में हर हिंदुस्तान की हर मुल्क हर रियासत में उसको इस्तेमाल करके उस मॉडल में हर रियासत में मार्केट एक्ट बना दिए थे। आज की फार्मर्स जो चाहते हैं, आप सब लोग तो जानते हैं, वो लोग चाहते हैं एक छोटा सा एक दलारी को रोकना नहीं था एक सरकार का इसका असल में इसका होता, सरकार तो एक बड़ा दलारी को बना के ले आना, फार्मर्स के ऊपर उनका कंधों के ऊपर बिठाना उनकी सरकार की फर्ज है। एक जो है अंबानी, दूसरा जो है अदानी, इन लोगों को हिंदुस्तान की मार्केट्स के ऊपर खाओ पूरा हक देना, एक पूरा कंट्रोल देना, ये पूरा एक्ट का मकसद है। तो चाहते हैं वो जहाँ चाहे वहाँ जाके खरीद सकते हैं, जितना चाहे उतना वो लोग गोदाम में डाल के रख सकते, और जो आपकी फसल के लिए फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। और आप जानते हैं जब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ फार्मर्स के साथ किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट की मकसद क्या होता, एक बड़ा पावरफुल आदमी के साथ एक कमज़ोर आदमी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता आप जानते हैं। जैसा कॉरपोरेट कॉलेजेस के ऊपर काबू है इंटरमीडिएट बोर्ड को, उन लोगों का रिश्ता है चीफ मिनिस्टर से, और वो बेचारा इंटरमीडिएट बोर्ड सेक्रेटरी उनको क्या कंट्रोल कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे इन कंपनीज के ऊपर कंट्रोल पावर्स दिए RDO को और कलेक्टर को, वो क्या करेंगे, वो हिंदुस्तान को मुल्क ही चलाते हैं, पूरा पॉलिटिक्स को उनको असर है उन लोगों का, वो लोग आके उनके ऊपर कंट्रोल है कलेक्टर और RDO को, वो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा एक पूरा एक मजबूत कॉरपोरेट कंपनीज को बनाने का मकसद है। हिंदुस्तान में अब तक जो किसान उगाते हैं वो मार्केट में बेचते हैं, मंडियों में हम जाके खरीदते हैं, लेकिन आजकल ये एग्री प्रोसेसिंग यूनिट एक बड़ा कंपनी बिजनेस बन गया है। अगर ये बिजनेस सरकार को इसको बढ़ाना चाहते हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं नौजवान हैं उनको मौका देना चाहिए। अगर आप असलियत में ऐसा एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स को चलाना चाहते हैं, पूरा बेरोजगार लोगों को नौजवान को इसमें हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन उसको छोड़कर इसके ऊपर पूरा कंट्रोल आप इस बड़ा कंपनीज को दे दें, ये बहुत ही गलत बात है। जैसा आप सोचते देखते हैं TV में एडवर्टाइजमेंट, ITC कंपनी वाला रोटी के बारे में एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, ITC की आटा से रोटी बनता है तो वो बेचारा औरत लीव मांगते हैं, तब तक नहीं मिलता जब तक उस आटा से रोटी बनाते हैं, तो आप देखे हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट। ये कंपनीज आएंगे तो दाम बढ़ जाएंगे, हमारे लिए भी ये नुकसान की बात है, इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं ऐसा एक
बड़ा कॉरपोरेट कंट्रोल एग्रीकल्चर के ऊपर बनना हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसको खत्म करना चाहिए। इसीलिए ये पूरा 3 कानून रद्द होना बहुत ही जरूरी है। हम सब लोग उनके साथ हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। इंसानियत के नाते हम सब लोग एक साथ जुड़कर काम करना बहुत ही जरूरी है। और वो लोग जो मुद्दा है साफ बताए सरकार को, इसको रद्द कीजिए। और बता रहे सरकार को दिल्ली में बैठकर, आप अगर बहस करना चाहते हैं तो आइए हम सब लोग मिलकर बात करेंगे, लेकिन अकेले हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये कितनी अच्छी बात है, आप जुड़कर एक साथ रहने के लिए कितने ताकत बता देते हैं आपको। ये ताकत कायम करने के रखने के लिए पूरा कोशिश वहाँ के किसान कर रहे, और उनका ताकत और भी बढ़ाने के लिए हम सब लोग उनके साथ जुड़ना जरूरी है, इसलिए कि हमारा खाना का मसला है। तो ये हमारा मकसद बनता। जहाँ तक एक्शन प्रोग्राम की बात है, हैदराबाद में भी और इसकी मदद में वहाँ रिले हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ, सब धरना शुरू हुआ, रिले धरना शुरू हुआ। हम भी एक दिन उसमें हिस्सेदार बन सकते, हम ही वो कैंप एक दिन हम चला सकते। आप उसका डेट फैसला कीजिए, सब लोग बात करके उनसे, हम उस दिन सब लोग जाके वहाँ बैठेंगे, उसको मदद देंगे। वो भी कर सकते, सिग्नेचर कैंपेन कर सकते, आप जो प्रोग्राम लेंगे हम सब लोग आपके साथ जुड़ के हम सब लोग काम करेंगे। लेकिन एक और दिल्ली से हम जो उसमें हिस्सेदार हैं उनके साथ हमारा एक जूम कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है, बात करेंगे, और वहाँ से जो भी है उसमें एक्टिव उन लोगों से हमारा बातचीत भी हो सकता है जानकारी के लिए। तो मेरे ख्याल में सब आप कर सकते हैं। मुश्ताक मालिक साहब जब आगे हैं तो जरूर पूरा हैदराबाद आपके पीछे। एक और काल अन्नदाता के लिए, जैसा आपने चलो टैंगमन की दिए थे, ऐसा ही एक मजबूत हमारा काल भी हो सकता है। वो कैसा किस किस्म का, वही रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन उसी किस्म का एक और काल हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ आप नज़र डालिए, आप जो फैसला लेंगे हम सब जरूर मिलकर काम करेंगे। इसको जीत हासिल होना हमारा जीत भी हो सकता है, ताकि हिंदुस्तान में इतना मजबूत एक ताकत हो, इतना एक कमज़ोर एक किसान जाकर जो ठुकराता है, जो पूछता है, सवाल करता है, गला पकड़ के दिल्ली में उनको सवाल करते हैं। ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा, जो मेरे लिए इतना अच्छा लगा कि एक कमज़ोर आदमी इतना ताकत को अब सवाल पूछने लगे हैं। हम सब लोगों का जो सवाल है वो सब लोग, हम सब लोगों का सवाल उनके मुंह से निकले, इसीलिए हम सब लोग उसके साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसका जीत हमारा जीत हो सकता है।